हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है रवा इडली। रवा इडली जो कि मैं माइक्रोवेव में बेक करूंगी। इडली बनाने के लिए 2 कप सूजी लिया है, टेस्ट अकॉर्डिंगली सॉल्ट, 1 टेबल स्पून पराठा मसाला, 1 टीस्पून बीटरूट पाउडर और इन सब में 1 कटोरी दही और पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक कोई भी पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड और करी लीव्स। अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल, थोड़ा सा कैप्सिकम और थोड़े से फ्रोजन गाजर। पेस्ट में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून राइस पाउडर और जो ये वेजिटेबल सॉटे किया था, इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और 1/2 टीस्पून इनो। अब इस पेस्ट को प्लेस कर देंगे इडली मेकर में। अब इसे बेक करना है माइक्रोवेव में, तो उसके लिए इसके जो इडली का बटन होता है उस पर प्रेस करेंगे और नीचे वाले इडली को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करके 2 बार पका लेंगे, जो कि 6 मिनट में यह इडली बन करके रेडी हो गया। बीटरूट का पाउडर डालने से इसका कलर इस तरह से आया, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत ही हेल्दी है। अगर हम पेस्ट डालते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम बीटरूट पाउडर डालते हैं तो इससे बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी इडली बनकर के तैयार होता है। इसको मैंने सर्व किया है कोकोनट चटनी के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब।